गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः आपका स्वागत मैं करता हूं छात्रगण। विगत कक्षाओं में हम लोग मराठा साम्राज्य शिवाजी के बारे में पूरा डिटेल्स जान रहे थे। आज हम लोग जानेंगे छात्रगण शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। ध्यान देंगे छात्रगण, हेडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में, शिवाजी के उत्तराधिकारी। लिखिएगा संभाजी, लिखिए। इनका कार्यकाल 1680 से 1689 तक था, 1682-1689। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान, कवि कलस को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। कवि कलस को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। नेक्स्ट, संभाजी की हत्या 1689 में मुगल सेनापति मखरब खां के द्वारा औरंगजेब के आदेश पर संगमेश्वर नामक स्थान में क्रूरतापूर्वक कर दी गई थी। नेक्स्ट, संभाजी के पश्चात राजा राम शासक बना। इसका कार्यकाल 1689 से 1700 तक था, 1700 तक था। इसने सतारा को मराठा साम्राज्य की नई राजधानी बनाया था। यह मुगलों से संघर्ष करता हुआ शहीद हो गया। इसकी
मृत्यु के पश्चात, इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी विधवा पत्नी, इसकी विधवा पत्नी ताराबाई, ताराबाई ने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी टू टू को मराठा गद्दी पर विराजमान किया। नेक्स्ट, ताराबाई एक वीर योद्धा एवं उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता से युक्त महिला थी। नेक्स्ट, सत्रह सौ सात में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, संभाजी के पुत्र एवं शिवाजी के पौत्र साहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट, शाहू एवं ताराबाई के बीच उत्तराधिकार के लिए सत्रह सौ सात में पालखेड़ा का युद्ध हुआ। जिसमें साहू विजयी रहा तथा उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट, 1708 में साहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट, शाहू के कार्यकाल में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक, पेशवा बन गए, जो कि साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा बनाया। छठगन ध्यान देंगे, इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य, लेकिन शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में आपको जानना जरूरी है। छठगन, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ,
उनके दो पुत्रों के बीच, राजा राम और संभाजी के बीच। लेकिन छतगन, इस युद्ध में संभाजी विजयी रहे और शिवाजी के उत्तराधिकारी बन गए, शिवाजी के पुत्र संभाजी। छतगन 1680 से 89 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने उज्जैन के प्रसिद्ध विद्वान कवि कलश को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया था। छतगन, संभाजी पर औरंगजेब की कुदृष्टि थी और औरंगजेब के आदेश से उसके सेनापति मखरब खान ने संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और क्रूरता पूर्वक छतगन इनकी हत्या संगमेश्वर नामक स्थान में कर दी गई थी। पूछेगा शिवाजी के पुत्र, संभाजी के पुत्र अर्थात शिवाजी के पौत्र, शिवाजी के पुत्र संभाजी एवं उनके सलाहकार कवि कलश की हत्या किस मुगल सेनापति ने करवा दी थी? मकरब खान ने। किसके आदेश से? औरंगजेब के आदेश से। कब करवा दिया गया था यह हत्या? 1689 में। छतगन, कहां पर? संगमेश्वर नामक स्थान में हत्याकांड किया गया था, जो कि इतिहास का क्रूर हत्याकांड कहलाता है। संभाजी के मांस को निकालकर कुत्तों को परोस दिया गया और संभाजी के जो शरीर में छतगन जो चमड़ा बचा था उसमें भूसा भर दिया गया था। एक बहुत ही क्रूर हत्याकांड कहा जाता है संगमेश्वर का हत्याकांड। ध्यान रखेंगे छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, संभाजी की हत्या के बाद राजा राम मुगल मराठों का उत्तराधिकारी बना, मराठा शासक बना, लेकिन यह एक कमजोर और अयोग्य शासक था। ये छतगन सतारा को उसने अपनी राजधानी बनाया, लेकिन मुगलों के साथ यह लौते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। छतगन, इसकी विधवा ताराबाई एक बहुत ही सशक्त वीरांगना महिला थी और कुशल प्रशासिका भी थी। प्रशासन का इन्हें बहुत ही अनुभव था और वीरता में भी कोई इनका जोड़ेदार नहीं था। छतगन, ताराबाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र, मात्र 4 साल के पुत्र शिवाजी टू को मराठा गद्दी पर बिठाया और उसके नाम से शासन प्रारंभ कर दिया। छतगन, ताराबाई ने बहुत ही योग्यता के साथ शासन किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुगल कैद में बंद शिवाजी के पौत्र और संभाजी के पुत्र साहू को उत्तर मुगल काल के प्रथम शासक बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम या मुअज्जम ने रिहा कर दिया। छतगन, रिहाई के पश्चात, जब रिहा कर दिए गए, तो रिहाई के पश्चात साहू और ताराबाई के बीच पालखेड़ा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ छतगन, और इस युद्ध में साहू विजयी रहा। 1708 में साहू का राज्याभिषेक सतारा में हुआ। छतगन, साहू के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये ध्यान रखिएगा। साहू के कार्यकाल में पेशवा पद की शुरुआत हुई और पेशवा का पद इतना शक्तिशाली हो गया कि मराठा साम्राज्य में राजा के समतुल्य पहुंच गया, यानी एक तरीके से पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य चला गया छतगन, है ना। इसलिए आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो छतगन, इसके बाद हम लोग जानेंगे पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य। ध्यान रखेंगे छतगन, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य। छतगन, शिवाजी के उत्तराधिकारी के पश्चात हम लोग पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल्स में। छतगन, मैंने कहा था कि पेशवा ही अघोषित सम्राट बन गए थे, राजा बन गए थे, और पेशवाओं की शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी, इसलिए इस कार्यकाल को पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य कहा जाता है। साहू के कार्यकाल में पेशवाओं की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। छतगन, इन्हीं सब चीजों को छतगन आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को छतगन याद रखना होगा। छतगन, गौर कीजिएगा, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य में हेडिंग बनेगा छतगन, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ नाथ, कार्यकाल इनका था छतगन 1713 से 1720। हेडिंग बनेगा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। लिखे, ये प्रथम मराठा पेशवा थे, मराठा पेशवा थे। ये
महाराष्ट्र के चित पावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। नेक्स्ट, इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र बाजीराव प्रथम बना था। हेडिंग बनेगा प्रथम। सत्रह सौ बीस से सत्रह सौ चालीस देखेंगे छतगण। यह सबसे निडर योग्य एवं वीरता से युक्त पेशवा था। शिवाजी के पश्चात गुदिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक या प्रयोगकर्ता बाजीराव प्रथम था। नेक्स्ट, इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। बहुत हिट क्वेश्चन है छात्रगण, लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसने मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। नेक्स्ट, इसने कमजोर होते मुगल साम्राज्य के बारे में साहू से कहा था, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, हम मराठा पताका को कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेंगे, ये साहू ने जवाब दिया, निश्चित रूप से आप मराठा पताका को हिमालय के पार भी फहराएंगे,
पर आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आप महान पिता के महान पुत्र हैं, पिता के महान पुत्र हैं। नेक्स्ट, बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। इसने 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिससे भयभीत होकर मुगल शासक दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। नेक्स्ट, बाजीराव प्रथम इतिहास में मस्तानी नामक मुस्लिम नर्तकी के साथ प्रेम संबंधों के कारण चर्चित और विवादित माना जाता है, चर्चित और विवादित माना जाता है। छात्रगण ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा और एक एक चीजों को मनन करना होगा। छात्रगण क्या सवाल आएंगे, पूछेगा प्रथम मराठा पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। कब से कब तक कार्यकाल था? 1713 से 1720। पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य किसके कार्यकाल में आया था? बालाजी विश्वनाथ के कार्यकाल में। किसने इन्हें पेशवा बनाया था? साहू ने बनाया था, है ना, मराठा शासक साहू ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। छठगन, बालाजी विश्वनाथ चित्पावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और इनके कार्यकाल में ही पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। छठगन अर्थात बालाजी विश्वनाथ के कार्यकाल में यह निर्धारित हो गया कि जो भी पेशवा बनेगा वो बालाजी विश्वनाथ के परिवार से ही बनेगा, क्योंकि इसके बाद आप देख रहे हैं बालाजी विश्वनाथ के पश्चात कौन बन रहा है पेशवा? बाजीराव प्रथम। ध्यान देंगे छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण दूसरी बात जो आपको गौर करनी है, याद रखना है, मनन करना है, अध्ययन करना है, बालाजी विश्वनाथ जो कि महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, इनके कार्यकाल में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया और इनके पश्चात इनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना, है ना। छतगन बाजीराव प्रथम एक बहुत ही योग्य, अदम्य साहस से युक्त, वीरता से युक्त शासक था। इसने मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली का सबसे बड़ा प्रयोगकर्ता था बाजीराव प्रथम। छतगन इसने मुगल साम्राज्य की कमजोर होती हुई स्थिति का फायदा उठाते हुए साहू से कहा था, आइए हम इस कमजोर और जर्जर वृक्ष के तनों पर प्रहार करें, शाखाएं तो खुद ब खुद गिर जाएंगे। छतगन इसने कहा था कि हम कृष्णा नदी से लेकर के अटक तक मराठा साम्राज्य की पताकों को लहरा देंगे। और साहू ने प्रत्युत्तर में कहा कि आप योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हिमालय पर्वतमाला के पार भी मराठा ध्वज के झंडे को आप गाड़ देंगे, फहरा देंगे। छतगन ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, पूछेगा आओ हम इस जलचर वृक्ष के खोखले तनों पर प्रहार करें, शाखाएं तो खुद ब खुद गिर जाएगी। ये किस मराठा पेशवा ने कहा था? बाजीराव प्रथम ने कहा था। किससे कहा था? साहू से कहा था। किसके संबंध में कहा था? मुगल साम्राज्य की कमजोर होती स्थिति के संबंध में कहा था। ध्यान रखिएगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है। प्रत्युत्तर में साहू ने जो कहा उसे भी याद रखिएगा कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप
मराठा साम्राज्य को हिमालय के पार तक इसके ध्वज को लहरा देंगे। तो छतगन इसे याद रखिएगा। पूछेगा किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मराठा पेशवा वह पहला पेशवा था जिसने दिल्ली में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया था? छतगन बाजीराव प्रथम था। छतगन इसके आक्रमण से घबराकर जब 1737 में इसने आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में मुगल बादशाह था, वह आक्रमण के खबर को पाकर के दिल्ली छोड़कर भाग गया छतगन। सोचिए बाजीराव प्रथम का कितना खौफ रहा होगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। छतगन मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार करने वाला यह शासक इतिहास में विवादित भी माना जाता है। मस्तानी नामक नर्तकी के साथ प्रेम प्रसंग के कारण, पूछेगा मस्तानी नामक नर्तकी के साथ प्रेम प्रसंग के कारण कौन इतिहास में चर्चित और विवादित माना जाता है? कौन सा मराठा पेशवा? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था? 1720 से 1740 तक था। इसे भी छतगन आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजीराव प्रथम से जुड़े हुए हर पहलू को याद रखिएगा, मस्तानी को याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला पर इसने आक्रमण किया है ना, याद रखिएगा, सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार किया, लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति का शिवाजी के पश्चात सबसे व्यापक प्रयोग किया, सारे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं छतगन, पहली निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, है ना। अगले पेशवा का नाम लिखेगा छतगन, बालाजी बाजीराव। सत्रह सौ चालीस से 1761 कार्यकाल लिखेंगे छतगन। देखिए यह बाजीराव प्रथम का पुत्र था, पुत्र था, इसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, साहब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में इतिहास प्रसिद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था। हड़ी मनेगा छतगन, अपने नोट्स कॉपी में पानीपत का तृतीय युद्ध, दो युद्धों से आप परिचित हो चुके हैं छतगन, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू, प्रथम युद्ध में बाबर विजयी, द्वितीय युद्ध में अकबर विजयी, तृतीय युद्ध में अब हम लोग आ रहे हैं छतगन। इतिहास अपने आप को दोहराता है छतगन, पुरानी बातों को भूले नहीं, वरना इतिहास में आप भुला दिए जाएंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में असफल हो जाएंगे छतगन। तो इतिहास में पानीपत के तीन युद्ध हुए हैं, तीनों को याद रखिए, 21 अप्रैल 1526 बाबर इब्राहिम लोदी बाबर विजयी, 5 नवंबर 1556 अकबर हेमू अकबर विजयी, और अब आ रहे हैं तृतीय युद्ध, हेडिंग बनेगा पानीपत का तृतीय युद्ध। लिखे यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी, इस युद्ध में मराठा तोपखाने का प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी था, इब्राहिम खां गार्दी था। नेक्स्ट, इस युद्ध में
मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव ने किया था नेक्स्ट, इस युद्ध में मराठों की पराजय से सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों को हुआ था क्योंकि मराठे अंग्रेजों के लिए एक कठिन चुनौती थे। नेक्स्ट, इस युद्ध ने यह सत्यापित कर दिया कि भारत में अब कौन शासन करेगा, अर्थात अंग्रेजों के लिए रास्ता आसान हो गया। नेक्स्ट, इस युद्ध में मराठों की पराजय के मुख्य कारण निम्न थे। नंबर एक, मराठों की कमजोर सेना। नंबर दो, भारत की मुस्लिम शक्तियों द्वारा अहमद शाह अब्दाली का सहयोग करना नंबर तीन, मराठा सेनापति सदाशिव राव द्वारा युद्ध को लंबा खींचा जाना नंबर चार, मराठों में एकता का अभाव। नेक्स्ट, तिरकंशन, इस युद्ध में पराजय से दुखी होने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 में हो गई 1761 में हो गई। क्या क्वेश्चन आएंगे छात्रों, कॉल कीजिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था, किस मराठा पेशवा के कार्यकाल में हुआ था? बालाजी बाजीराव। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। छतगन, मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिव राव भाऊ कर रहा था, ध्यान रखेंगे छतगन, वह मराठा सेनापति था। छतगन, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का सेनापति था, और मराठों के बीच हुआ था। छतगन, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का परिणाम हुआ मराठे पराजित हो गए और अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। इस युद्ध के और क्या परिणाम हुए? भारत में अंग्रेजों के लिए रास्ता आसान हो गया। भारत में मराठे एक अंग्रेजों के लिए सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी और चुनौती थे छतगन, और इस चुनौती को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया। छतगन, मराठा शक्ति कमजोर हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, और अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य विस्तार और कब्जे का रास्ता बिल्कुल आसान हो गया। इस युद्ध से दो
शक्तियों के युद्ध से तीसरे को फायदा मिला और वो थे अंग्रेज, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। छतगण पीरता से ओतप्रोत कुल्ला युद्ध पद्धति के प्रयोगकर्ता मराठे आखिर हार क्यों गए? छतगण एक तो आप देखिए कि मराठा साम्राज्य दक्षिण भारत में है और युद्ध हो रहा है उत्तर भारत में आके हरियाणा में। छतगण उतने दूर से सेना को भेजना, रसद भेजना, भोजन भेजना बहुत ही मुश्किल काम था छतगण। दूसरी बात थी मराठों में एकता की कमी थी, मराठा सैन्य क्षमता कमजोर हो गई थी। सदाशिव राव भाऊ ने युद्ध को बहुत लंबा खींचा जिसके कारण सैनिक रसद भोजन लाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। मराठों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई और यही कारण था कि मराठे हार गए पानीपत के तृतीय युद्ध में। पूछता है छतगण यूपीएससी वगैरह के एग्जामिनेशन में कि मराठों के पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने का क्या कारण था, तो इन कारणों को आपको छतगण याद रखना होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त रूप से आता है। छतगण इस युद्ध में पराजय से दुखी होकर इतने आत्मग्लानी से बेचारे परेशान हो गए, दुखी हो गए सदाशिव बालाजी बाजीराव कि उनकी मृत्यु हो गई 1761 में। छतगण पूछेगा पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय से दुखी होकर किस मराठा पेशवा की मृत्यु हो गई थी? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगण, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट लिखेगा छतगण माधव राव प्रथम। प्रथम माधव राव प्रथम लिखे, इसका कार्यकाल 1761 से 1772 तक था। लिखे, इसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक, द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट अगले पेशवा का नाम लिखेंगे छतगण नारायण राव। सत्रह सौ बहत्तर से 1773 लिखिए, इसके चाचा रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी, हत्या कर दी। नेक्स्ट अगले पेशवा का नाम लिखेंगे माधव राव नारायण टू द्वितीय, माधव राव नारायण द्वितीय लिखे। यह अल्प आयु का पेशवा था। इसका कार्यकाल 1773 से 1795 तक था। इसके समय मराठा प्रशासन को चलाने के लिए बारह भाई
नामक 12 सदस्यों का एक समूह शासन चलाता था। नेक्स्ट, अगला पेशवा का नाम लिखेंगे छतगन, बाजीराव टू। बाजीराव टू लिखेंगे। इसका कार्यकाल 1795 से 1818 तक था। यह अयोग्य, कमजोर एवं लाचार पेशवा था। इसके समय अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट, बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच 1805 के बीच हुई थी जिसमें देवगांव की संधि देवगांव की संधि के तहत मराठों ने अपनी अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था जो कि 1816 से 1818 तक चला था। जिसमें अंतिम रूप से मराठे अंग्रेजों से पराजित हो गए तथा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान में पेंशन याफ्ता बनाकर भेज दिया गया। मराठा साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया। नंबर एक इंदौर, यहां होलकर राजवंश का शासन था। नंबर 2 नागपुर,
यहां भोसले राजवंश का शासन था, भोसले राजवंश का शासन था। नंबर तीन, पूना, यहां पेशवा राजवंश मौजूद था। नेक्स्ट, ग्वालियर, यहां सिंधिया राजवंश का शासन था। माधवराव सिंधिया का नाम आपने सुना होगा छतगन। सिंधिया राजवंश का शासन था। एंड लास्ट लिखेंगे छतगन, बड़ौदा गुजरात में है, यहां गायकवाड़ राजवंश का शासन था, राजवंश का शासन था। छतगन, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे मराठा साम्राज्य पांच भागों में विभक्त हो गया। छतगन, शिवाजी ने अपने खून से सींचा, बाजीराव प्रथम ने सर्वाधिक विस्तार किया, लेकिन कमजोर और अयोग्य शासकों के कारण मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। बाजीराव द्वितीय कमजोर और अयोग्य पेशवा थे। छतगन, ध्यान रखना है छतगन, क्रम से आपको याद रखना है। गौर कीजिएगा, माधवराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद नारायण राव शासक बना, माधवराव नारायण द्वितीय शासक बना, जो कि अल्पवयस्क था। इसके समय 12 भाई या बार भाई नामक एक परिषद शासन चलाते थे, जिसमें 12 विशिष्ट व्यक्तित्व थे, जिसमें नाना फडणवीस भी थे। छतगन, गौर कीजिएगा, छतगन पूछेगा, बार भाई या 12 भाई की एक परिषद मराठा साम्राज्य में किस पेशवा के समय शासन चलाती थी? तो माधवराव नारायण द्वितीय के समय में शासन चलाती थी। छतगन, गौर करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा, सबसे कमजोर, अयोग्य और लाचार पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के समय मराठा साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, सहायक संधि को उसने स्वीकार कर लिया छतगन, और यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। छतगन, बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से पराजित हुआ और इसे कानपुर के निकट बिट्ठू नामक स्थान में एक पेंशन याफ्ता अंग्रेजों के रामो करम पर नियुक्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य पांच भागों में विभक्त हो गया। छतगन, पांचों भागों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंदौर में होलकर राजवंश था, नागपुर में भोसले राजवंश था, पूना में पेशवा राजवंश था, ग्वालियर में सिंधिया राजवंश था, बड़ौदा में गायकवाड़ राजवंश था। बोल देगा छतगन, इन राज्य और राजवंशों को खंड का को खंड खा से मिलान करें। खंड का में छतगन पांच राज्य का नाम दे देगा, खंड का में राजवंश का नाम दे देगा, आपको बोलेगा गंगा जमुना को मिलाइए। तो छतगन, जब तक आप नहीं जानोगे कि कौन किस राजवंश से संबंधित है, तब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। या फिर पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? दे देगा नंबर एक इंदौर होलकर, ग्वालियर सिंधिया, नागपुर भोसले, बड़ौदा चेंज कर देगा छतगन, बड़ौदा गायकवाड़ नहीं देकर के आपको कर देगा पेशवा। तो छतगन, जब तक आप नहीं जानोगे कि कौन कौन कहां है, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आपको छतगन इसे रटना पड़ेगा। तो इंदौर में कौन है छतगन? होलकर राजवंश है। अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना होगा आपने, अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम भी है इंदौर में, है ना। नागपुर भोसले राजवंश है, पूना पेशवा राजवंश है, ग्वालियर सिंधिया राजवंश है, और बड़ौदा जो कि गुजरात में है गायकवाड़ राजवंश है। तो यह है छतगन, मराठा साम्राज्य और पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य का संपूर्ण समापन हम लोगों ने छतगन इन कक्षाओं में किया है। आपको एक एक चीजों को याद रखना होगा, क्रम से याद रखिएगा छतगन। पूछेगा, निम्नलिखित मराठा पेशवाओं को क्रम से सजाएं। ऑप्शन में दे देगा बालाजी बाजीराव, दूसरा दे देगा बाजीराव प्रथम, तीसरा दे देगा माधवराव प्रथम, चौथा दे देगा माधवराव, आपको चौथा दे देगा नारायण राव, और पांचवा दे देगा आपको बालाजी विश्वनाथ। तो छतगन, जब तक आप नहीं जानोगे कि क्रम क्या है, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, नारायण राव, माधवराव नारायण द्वितीय, और अंत में बाजीराव द्वितीय, तभी आपसे सवाल बनेंगे छतगन। ऐसे सवाल कठिन होते हैं, लेकिन जानकारी रहेगी
तो दुनिया की कोई ताकत आपको बनाने से नहीं रोक सकती है। इसे आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण। जानकारी ही ज्ञान ही आपको सफलता के सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाता है, मान सम्मान सब कुछ दिलाता है छात्रगण, ध्यान रखेंगे है ना। तो छात्रगण, मराठा साम्राज्य का समापन आज हम लोगों ने किया है, इसके पश्चात हम लोग अगली कक्षाओं में किसी अन्य महत्वपूर्ण अध्याय मध्यकालीन भारतीय इतिहास के से आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद, अलविदा।